3 बजे नहीं, 1 बजे वाली क्लास थी। तीन बजे तो क्लास ही नहीं थी। शेड्यूल मैं एक दिन पहले, अगर आप रेगुलर क्लास में होते हो तो मैं एक दिन पहले ही अनाउंस कर देता हूँ। कोई बात नहीं, जो नहीं ले पाते हैं, कुछ उनकी समस्याएं हैं तो वो बाद में ले सकते हैं क्लास। पर्यावरण की हम बात करेंगे। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है उनके लिए। कोई बात नहीं, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण अपने आप में ही डेफिनेशन है। परितः आवरण, आवरण यानी होता है परिधान, वस्त्र। तो जो पृथ्वी को चारों तरफ से जो आवरण घेरे हुए है, पृथ्वी के चारों तरफ से वायुमंडल घेरा हुआ है, इसी से शब्द बना है पर्यावरण। पृथ्वी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हमारा जीवन, पृथ्वी का जीवन, हवाओं का जीवन, जंतुओं का जीवन, सब आपस में जुड़ा हुआ है। हालांकि इंग्लिश में हम कहते हैं इसको एनवायरनमेंट। ये फ्रांसीसी शब्द है इनवायरनर, इससे बना हुआ। इसका मतलब होता है सभी बाह्य दशाएं, बाहर बाहर की सभी दशाएं। तो पर्यावरण में सभी कुछ आ गए, जल, स्थल, वायु, मिट्टी, वृक्ष, पौधे, जीव जंतु, पक्षी, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सब कुछ आ गया। प्रॉब्लम यह है कि पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हम इसी से बने हुए हैं। जहां तक हमारा शरीर है, वो मिट्टी से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है, और हमारी आत्मा है, वो ईथर से बनी हुई है। शरीर और आत्मा के बीच में है मन, ये परिस्थितियों से बना हुआ है। तो पृथ्वी और ईथर, इन दोनों को जोड़ देता है मन। हमारे जीवन पे सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किसी का है तो मन का है, इसीलिए हमें कहा गया है मनुष्य, ऐसा पशु जिनके पास मन है। मन कनेक्टर है, शरीर और आत्मा को कनेक्ट करता है। पशुओं में आप देखते हैं कि मन नहीं होता है, मन बड़ा ही सुषुप्त होता है, बहुत सक्रिय नहीं होता। तो पशु को अपने शरीर का बहुत बोध नहीं है, जाड़ा लग रहा है, गर्मी लग रही है, कुछ नहीं पता कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। कुछ कुछ पशुओं को तो हम ये भी देखते हैं कि गाय है तो उसके पैरों पे किसी ने गाड़ी का टायर चढ़ा दिया है, वो पैर उसके पिचक गए हैं, चिपले पिछले हो गए हैं, वो घूमे जा रहा है, उसको दर्द भी हो रहा है, उसको अपने दर्द का एहसास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीच में कनेक्टिविटी उसकी गायब है। आत्मा को ही कहा गया है आकाश तत्व। आकाश एक तत्व है, ईथर। आकाश तत्व का अनुभव आपको तब होगा, कभी कभी आप आसमान में देखते होंगे तो आपको उसमें जो मैट दिखाई, कुछ ऐसी आकृतियां बुलबुले टाइप की आपको हलचल करते हुए दिखती होंगी, और कभी कभी उन पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करोगे तो वो विचलित हो जाएंगे। कई बार उनको सोचोगे, इनको मैं ध्यान से देखूं, वो ध्यान में आएगा नहीं। जैसे ही कॉन्सेंट्रेट करोगे वो चलती जाएंगे, चलती जाएंगे। उनका पीछा आप करोगे, जितना भी पीछे जाओगे वो आगे चली जाएंगे। कुछ समय तक वैज्ञानिक कहते थे कि ये हमारे आंखों का कुछ भ्रम टाइप है। भ्रम नहीं है, वही ईथर तत्व है, आकाश तत्व। कहने का मतलब है कि हम इनके प्रतिबिंब हैं, जो भी दुनिया में हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इनके प्रतिबिंब है, इनसे हमारे ऊपर सारा प्रभाव पड़ता है, तो अगर ये विनष्ट होगा तो कौन विनष्ट होगा? प्रकृति या पर्यावरण अगर नाश होगा, यानी विनाश होगा, तो ये आत्महत्या करने के बराबर, हमारा ही विनाश होगा।
क्योंकि ये परस्पर आश्रित हैं। और ये विनाश बड़ी तेजी से हो रहा है, और ये विनाश हो रहा है अज्ञानता के कारण। अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं और हम बचे रह जाएंगे इसके प्रभाव से, तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक थ्योरी डेवलप हुई इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। पर्यावरणीय नियतिवाद ये कहता है कि हमारे जीवन का हर एक क्षय, हमारे जीवन के संघर्ष, हमारा भाग्य, सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, कला, परिधान, साहित्य, भोजन, सुख, दुख, कुंठा, हताशा, निराशा, उत्साह, परस्पर संबंध, बीवी से झगड़े, बच्चों का अवज्ञाकारी होना, आज्ञाकारी होना, हमारा स्वभाव, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी मानसिक अवस्था, हमारी आध्यात्मिक अवस्था, हमारे ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, हमारे भीतर की संवेदना, दूसरों से व्यवहार करने के तौर तरीके, हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार, नैतिकता, अवसाद, डिप्रेशन, सब कुछ निर्भर करता है इन्वायरमेंट पर। कुंठा का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। कुंठा को हिंदी में कहते हैं ग्रंथि, कुंठा भी हिंदी ही है, गांठ। रस्सी को आप ऐसे बांध देते हैं तो रस्सी में गांठ गांठ पड़ जाती है ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चट्टा है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, रहीम जी ने कहा। ऐसे ही हमारे मन में भी एक गांठ पड़ जाती है। किसी को आप बड़ा अच्छा समझते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, और आपको बाद में पता चलता है कि वो आपका उपहास कर रहा है। उसको नहीं पता कि आपको पता चल रहा है, आप कहीं इत्तेफाक से गुजर रहे हैं और वो किसी से आपके बारे में बात कर रहा है और आपका उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि आप जाकर के उसको कहोगे कि ये क्या कर रहे हो आप, नहीं, आप नहीं कहोगे, क्योंकि कोई रिटर्न, कोई बॉन्ड नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना लिखा था कि आप उसको इज्जत दो, आप उसको सम्मान दो, कोई कानून थोड़ी ना है ऐसा। ये आप देते हो उसको सम्मान, आपके मन का ऐसा भाव है। अब भाव एक ऐसी तरल चीज है जिस पर दावा नहीं हो सकता। वी कैन नॉट क्लेम कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मैं तुमको रिस्पेक्ट देता हूँ। यू कैन नॉट क्लेम वफादारी, ईमानदारी, ये सब चीजें हैं, इनके साथ दावा नहीं चलता। ये आपका जीवन बता देता है कि क्या है। तो आपने उपहास उड़ाते हुए सुन लिया तो आपके मन में गांठ बन जाएगी उस व्यक्ति के प्रति। आपको बड़ा दुख होगा, और ऐसा दुख होगा कि आप किसी से कह भी नहीं सकते। किसी से कहोगे कि मिस्टर एक्स को मैं बड़ा ही अच्छा समझती थी और वो हमारे बारे में ऐसा मजाक उड़ा रहा था, तो वो आपको सुझाव देगा कि खुद ही सुझाव देगा कि तुम्हारे सभी को, तुम्हारे किसी को देखा ही नहीं, किसी पे भी भरोसा कर लेती हो, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हो। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ तो कनिंगनेस से रहना सीखो। हाथ भी मिलाएगा ना कोई जो गले मिलोगे तपाक से, ये मुफलिसों का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बशीर बद्र की एक शेर है ना, गले तपाक से मिलोगे कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा, इसे कहते हैं कुंठा। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म समझ में आ गया। जिंदगी में अपने ही सबसे ज्यादा ऐसा करते हैं, तो कोई अपना बनाने के पहले, अपना का लेबल चिपकाने के पहले, जरा जैसे यूजीसी नेट आपकी परीक्षा लेती है ना, जेआरएफ नेट, तो किसी को अपनों के सर्कल में प्रवेश कराने के पहले जरा ठोंक बजा करके पक्का हो जाने की जरूरत है, भले इसमें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, धैर्य से। ऐसे नहीं किसी को अपना बना लो। और रिश्तों में सबसे बेहतरीन चीज ये होती है, किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन एनीथिंग। भगवान ने आपको हाथ पांव दिए हैं, शरीर दिया है, दिमाग दिया है, मन दिया, बुद्धि दिया है, किसी को दे सको तो दे देना, किसी से पाने की अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि जहां आप अपेक्षा रख रहे हैं वहां पे आप घायल होने की तैयारी कर रहे हैं।
भगवान ने नहीं, भगवान ने नहीं छिपा के भेजा है। जो भी रिलेशन है वो विन विन डील पर होना चाहिए, विन विन डील, यानी तुम्हारी भी जीत हो हमारी भी जीत हो। और कोई अपना इसलिए नहीं है कि वो हमारे काम आएगा, कोई अपना इसलिए है कि हम उसके काम आएंगे। तो ये अगर एटीट्यूड है, आपके काम आएगा तो आप तो अपने, फिर आप अपनापन का लेबल लगा के उसका उपयोग करना चाहते हो ना अपने कार्य के लिए। तो पहला स्टेप ही आपका यहाँ गलत हो गया। तो आप कनिंग हो फिर, या मैं कनिंग, मैं किसी को अपना तो फैला करके और चाहूँ कि वो मेरे सुख में दुख में साथी बने, कोई जरूरत नहीं साथी बनाने की। हमारा जहां तक चलेगा हम करेंगे, नहीं चलेगा तो वो करेगा, सब वो कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपना गिरेबान झांकी है कि आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं, किसी से अपेक्षा हम क्यों कर रहे हैं। और आपको पता है पर्यावरण इसी अपनत्व से बर्बाद हुआ है। ये सो कॉल्ड अपनत्व नहीं है। ना आप किसी से अपेक्षा करें, ना किसी की अपेक्षा की पूर्ति के माध्यम बने, तब आपका जीवन सुलझा हुआ होगा, नहीं तो उलझ के रह जाओगे। बाप बेटे से अपेक्षा कर रहा है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, मेरा बेटा करके दिखाएगा। बेटा शादी हो गई तो बीबी बाप बेटे से अपेक्षा कर रही है कि मेरे गहने मेरे माँ बाप नहीं दहेज में दे पाए तो ये बनवाएंगे। अब वो बीबी से अपेक्षा कर रहा है कि सुबह उठता हूँ तो वो गर्म बेड भी मिल जाना चाहिए, खाना नाश्ता बिल्कुल रेडी, कपड़े उपड़े तैयार। बीबी बच्चों से अपेक्षा कर रही है, बच्चे माँ बाप से अपेक्षा कर रहे हैं, और एक अंतहीन कलह जारी है। सब लोग दूसरे को ब्लेम दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से ये नहीं हो रहा, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, तुम ये कर दिए, तुम ये कर दिए। ये सब नहीं करना, कोई अपेक्षा नहीं। उसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आप अपेक्षा कर रहे हैं तो आपका शोषण होगा, दुखी होगे। अपेक्षा क्यों करना, सहयोग करना एक अलग बात है। हम सहयोग कर रहे हैं, मैं बाहर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सैलरी लाता हूँ, घर चलता है, मेरी पत्नी भीतर काम करती है, बच्चों को परवरिश करती है, घर ठीक ठाक रखती है, ये सहयोग है, ये अपेक्षा नहीं है, ये कोऑपरेशन। जैसे ऑफिस में मिस्टर शर्मा ऑफिस में आए हैं तो ठीक है, जिस दिन छुट्टी पे हैं तो भी ठीक है, उनकी छुट्टी है, उनके सीएल बचे हैं, उन्होंने ले लिया सीएल। लेकिन एक दिन बीवी छुट्टी पे चली गई तब तो तुम तलवार निकाल लोगे। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक दूसरा टर्म होता है, इन्वायरमेंटल पोटेंशियल। नहीं, मैं नहीं निकालता। क्या कह रहा हूं मैं, ये बात छोड़ो, गलत कह रहा हूं तो ये बताओ। इन्वायरमेंटल पोटेंशियलिज्म, पोटेंशियल से पहले जो धारणा चलती थी वो थी इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। अच्छा, क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं खा रहा हूँ जी। हाँ जी, आईसीटी 6 क्लास पढ़ाया, कितनी चाहते हो? वेरी गुड। इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म क्या है कि इसके अनुसार पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई मामलों में रोकता है। मतलब ये रोकता तो है लोगों की गतिविधि को, लेकिन ये नहीं बताता है कि क्या किया जाए, लोग कैसे व्यवहार करें ये नहीं बताता है। इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म। यहाँ पे मनुष्य निर्णायक की भूमिका में। इन्वायरमेंटल पोटेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पे इंसान या मानव निर्णायक है, वो चाहे तो पर्यावरण को सही भी कर सकता है और पर्यावरण को नष्ट भी कर सकता है। कुछ और चीजें हैं जैसे प्रजाति, जिन्हें हम कहते हैं स्पीसीज। स्पीसीज वो होती हैं जो आपस में प्रजनन करके अपने वंश को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक लक्षणों में समान होते हैं। जनसंख्या तो लगभग सभी जानते हैं, किसे कहते हैं? इकोलॉजी एक टर्म है।
इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, पर्यावरण नहीं, पारिस्थितिकी एक अलग चीज है। और इस शब्द की, इसका प्रयोग सबसे पहले 1866 ईस्वी में हुआ, उसके पहले हुआ ही नहीं था। और इसका प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकल ने। ये सब नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। इकोलॉजी किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? सबसे पहली बात कि पर्यावरण में दो व्यापक घटक हैं, एक है जीव, अब जीव में बहुत सारी चीजें आ गई, पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य बैक्टीरिया वायरस जिनमें जीवन है, सब कुछ आ गया। ये छोटा घटक। बड़ा घटक है वातावरण, ये दोनों एक दूसरे पर अनन्य आश्रित, म्यूचुअली डिपेंड करते हैं। वातावरण का प्रभाव जीव पर पड़ता है, जीव का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, यानी इन दोनों के बीच व्यापक संबंध है। इन संबंधों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको कहते हैं इकोलॉजी, या हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। ये अध्ययन क्लासरूम में नहीं किया जाता, ये उस जीव या उस वातावरण के नेचुरल होम में किया जाता है। तो पारिस्थितिकी एक विषय है, अध्ययन का एक विषय है। ये तीन प्रकार से अध्ययन किया जाता है, पहला या तो जीव के स्तर पर, दूसरा जनसंख्या के स्तर पर, तीसरा कम्युनिटी के स्तर पर, समुदाय के स्तर पर। एक लाइन में ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन। इसको एक और नाम दिया जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी समझ गए सभी लोग क्या होता है ये, क्योंकि ये बार बार आगे, इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, इसके 6 अध्याय हैं, 6 क्लासेस हैं, तो ये शब्द बार बार यूज होगा, इकोलॉजी इकोलॉजी इकोलॉजी। इकोलॉजी से लोग समझते हैं इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट अलग चीज है, इकोसिस्टम अलग है, इकोलॉजी अलग है। इसलिए मैं शुरुआत में ही विस्तार से आपको समझा दे रहा हूँ, अब बाद में इकोसिस्टम जब यूज करेंगे तो आप इकोलॉजी ना समझ लेना, इकोलॉजी यूज करेंगे तो आप इन्वायरमेंट ना समझ लेना, इन्वायरमेंट यूज करेंगे तो नेचर ना समझ लेना। इनमें कुछ तकनीकी भिन्नताएं हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इकोलॉजी के बाद अगला टर्म है इकोसिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले 1935 ईस्वी में, ऑर्थर टंसले ने यूज किया इस शब्द को। ये क्या है, इतनी तो बात पक्की है कि इकोसिस्टम है तो ये इकोलॉजी से ही कुछ संबंधित है, यानी पर्यावरण से ही संबंधित है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक एनिमल किंगडम है, इसमें बहुत सारे जीव भी हैं, जीव में जानवर भी होंगे, पशु भी होंगे, पक्षी भी होंगे, कीड़े भी होंगे, वायरस भी होंगे, बैक्टीरिया भी होंगे, पौधे भी होंगे, घास भी होंगे, पेड़ भी होगा, मनुष्य भी होंगे, यानी जीवों की पूरी जनसंख्या है। पत्थर भी होगा, पानी भी होगा। साथ ही साथ प्रकृति भी है, प्रकृति में जीव भी आते हैं, अजीव भी आते हैं, जैसे पत्थर, चट्टान, पहाड़, जल, ये अजीव हैं। इकोसिस्टम को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जीव और अजीव एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। प्रभावित करना और प्रभावित होने का मतलब क्या है, इनके बीच सतत 24 घंटे, हाँ जी निर्जीव,
ट्रांजेक्शन चलता रहता है। किस चीज का ट्रांजेक्शन? आदान प्रदान चलता रहता है, दो चीजों का, ऊर्जा का और पदार्थ का। जैसे आप जंगल में गए, सेब के बगीचे में गए, सेब तोड़ा, खा लिया, पदार्थ को खा लिया, उस पदार्थ से आपको मिल गया ऊर्जा। फिर वो पदार्थ आपने बाहर भी निकाला, उसे प्रकृति को मिल गई ऊर्जा। तो जिस तंत्र में ये ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान चलता रहता है, उसको कहते हैं इकोसिस्टम। समझ गया? हर वो चीज प्रकृति में इकोसिस्टम है जिसको आप सोच सकते हैं। आपका घर भी एक इकोसिस्टम है, बगीचा भी इकोसिस्टम है, तालाब, पहाड़, नदी, झील, झरना, बगीचा, उपवन, झाड़ी, सागर, कुआं भी है, कुएं में भी मेंढक है, मछली है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पानी है, सबका सब इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम भी दो तरह का होता है, एक बंद एक खुला, ओपन एंड क्लोज्ड। इसको कहते हैं मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र, जहां ऊर्जा और पदार्थ का बाह्य संसार के साथ मुक्त आदान प्रदान होता है। ये ओपन इकोसिस्टम है। जैसे जंगल, जंगल में आदान प्रदान खुला है। एक बंदर को भूख लगी, फल निकाल के तोड़ा, खाया, पत्ते गिरे, पत्ते सड़ गए, जमीन में जज्ब हो गए, पत्तों की ऊर्जा जमीन में चली गई, जड़ों के माध्यम से वृक्षों में चली गई, सूरज से प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, और पौधे अपना भोजन निर्माण किए। सारा का सारा ओपन। क्लोज्ड इकोसिस्टम होता है कि कुछ भी ओपन नहीं, या बहुत कम आदान प्रदान। तो जैसे मुंबई में कोई शहर है, बिल्डिंगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कें, कंप्यूटर्स, आपका घर है, घर में क्या होगा? फर्नीचर है, पंखा है, एसी है, टीवी है, कूलर है, फ्रिज है, मैं यहाँ बैठा हूँ, ड्रेसिंग टेबल है, जिसमें घंटों बीवी अपनी ऊर्जा लगाती है मेरी। आदान प्रदान कुछ नहीं होता, दूसरों को बेवकूफ़ बनाती है कि वो सुंदर है, मेरे कहने पे बिल्कुल नहीं विश्वास करती कि वो है, मेरा इतना पैसा खर्च मत करवाओ, लॉरियल और क्या क्या, ये सारा भरा हुआ है, आगे बेड है, एसी है, पंखा है, यहाँ भी एनर्जी चलती है, लेकिन यहाँ आदान प्रदान नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ चल रहा है, लेकिन आदान हो रहा है ना प्रदान हो रहा है, मतलब परस्पर ट्रांजेक्शन यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। इट इज द क्लोज्ड इकोसिस्टम। घर से बाहर गए इसलिए मैं थोड़ा खोल के व्यक्त कर रहा हूँ। आसपास रहती है तो मैं थोड़ा सा कम ही बोलता हूँ, संवेदनशील बात। अच्छा, आपके पति बोलते भी हैं? को देख के लगता नहीं। तो इकोसिस्टम समझ में आ गया। अगला टर्म है बायोस्फीयर। कुछ दिन में तुम भी डराओगी किसी को, ब्यूटी की चिंता ना करो। बेचारा इंस्टा पे देख के तुम्हें सोचेगा कि तुम कितनी धोखा खा जाएगा। नहीं, मेरा लगना क्या, मैं अपने लिए भी मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन हुआ ना। हाँ, इतनी सीधी सादी हो, समंदर के किनारे गार्डन गाना गाती हो, जंगल है, बायोस्फीयर का तुमको सेंस ही नहीं है। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, कम से कम कोई समंदर को जंगल नहीं कह सकता। इसीलिए मुझे लगा कितनी क्लास बाद आज एनवायरमेंट में क्यों आई है, चाचा क्लास के बाद ही आ रही है आजकल। वो लगा दिखता, मुझे नॉलेज भी आपको बहुत अच्छा। वो जंगल नहीं है, जेएनयू की पुरानी फोटो है। मुझे लगा कि मेरा इंस्टाग्राम भूखा हुआ है, एक महीने से कुछ डाला नहीं, तो मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया। वो जंगल नहीं, जेएनयू है। दिल्ली है वो, दिल्ली, दिल्ली का हार्ट। बायोस्फीयर क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, इकोसिस्टम। अच्छा,
इकोसिस्टम में चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अलग अलग इकोसिस्टम हैं। जैसे जल का इकोसिस्टम अलग है, स्थल का अलग है, वन का अलग है, सरीसृपों का अलग है, और ये इकोसिस्टम भी एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है। ना सिर्फ जुड़ा हुआ है बल्कि एक दूसरे पर आश्रित। इसे कहते हैं बायोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल को मोटा मोटी आप ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है, उसको जीवमंडल कहते हैं। है तो ये इकोसिस्टम का ही समन्वय समुच्चय। अब इकोसिस्टम के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है बायोम। किसी भी इकोसिस्टम में दो ही चीज होंगे, या तो जीव होगा और या फिर अजीव होगा। पूरे के सिस्टम को इन दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक। तीसरा कोई भाग नहीं होगा वहां पे, कोई ट्रांसजेंडर नहीं होगा कि थोड़ा सा जीव है थोड़ा सा अजीव है। जैविक घटक आपस में मिलकर के जैविक पर्यावरण की संरचना करते हैं। जैविक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। इन्हीं पर आधारित मैं प्रश्न भी बहुत सारे पूछूंगा, इसलिए इसको ध्यान से सुने। और दूसरा है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उत्पादक को ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी को मार के नहीं खाते या किसी दूसरे जीव का भोजन नहीं छीनते, ये है उत्पादक। उदाहरण के लिए पौधे। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं, सभी जानते हैं। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो आपको आपके मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये पत्तियां होती हैं। पौधों की पत्तियां बेसिकली पौधों का किचन है, यहाँ पे अपना भोजन ये बनाते हैं। और इसमें सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट होते हैं। और जिस प्रक्रिया से भोजन बनता है इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो ये है ऑटोट्रॉप्स। कंज्यूमर्स हैं इंसान जो पौधों को खाता है, या एनिमल्स, जो भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर भी दो तरह के होते हैं, एक हर्बीवर्स जिन्हें कहते हैं शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा कार्निवर्स यानी मांसाहारी। मांसाहारी कभी भी पौधे नहीं खाते, शेर, बाघ, मेंढक, सांप, किंगफिशर, छिपकली। मांसाहारी भी दो प्रकार के हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी शाकाहारियों को खाते हैं और टर्शियरी मांसाहारी अगेन मांसाहारियों को भी खाते हैं, जैसे बाघ, बाज। सेकेंडरी मांसाहारी, द्वितीय मांसाहारी उपभोक्ता चूहा, मेंढक, ये शाकाहारियों को खाते हैं। एक तीसरी भी कैटेगरी है ओमनीवर्स, सर्वाहारी। इनको जो मिल जाए सब खा लेंगे, जैसे कुत्ता, मनुष्य, भालू, मैना, चींटी। मांस भी मिल जाए, अनाज भी मिल जाए, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं ये भी सर्वाहारी में आते हैं। अपघटक, जीवाणु, कवक,
ये छोटे छोटे डिकम्पोज कर देते हैं सड़ा के। तो इस तरह से कुछ पिरामिड बनता है अगर इनको हम ग्रेजुअली डिवाइड करें। सबसे ज्यादा संख्या में है उत्पादक, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती जाती है। इसी तरह से अजैविक घटक, अजैविक घटक भी इकोसिस्टम में ही होते हैं। अजैविक में आता है अकार्बनिक। जिसको इनऑर्गेनिक कहेंगे, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, खनिज। अब ये जिंदा चीजें नहीं है लेकिन ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट है कार्बनिक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये प्रोटीन्स, एमिनो एसिड, विटामिन, लिपिड्स, ये सारी चीजें। 1 तीसरा भी है फिजिकल कंपोनेंट, भौतिक घटक। जैसे जलवायु, टेम्परेचर, प्रकाश, सौर ऊर्जा, ये हैं भौतिक कंपोनेंट्स। तो इस तरह से देखते हैं कि सारे पशु पक्षी पौधे प्रकृति एक दूसरे से एक पूरे के पूरे सर्किल में जुड़े हुए हैं। कंफ्यूजन नहीं है। अकार्बनिक वो है जो वेल डिफाइंड नहीं है, कार्बनिक सारे वेल डिफाइंड होते हैं। ऑर्गेनिक जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, लिपिड्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रकृति में, उनको कहते हैं ऑर्गेनिक। तो सभी एक फूड चेन बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला, और इसी आधार मतलब एक दूसरे को खाता है, खाद्य जाल। और इस तरह से एनर्जी एक एक ही ऊर्जा एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति, एक पशु से दूसरे पशु, एक स्तर से दूसरे स्तर तक ट्रांसफर होती होती है। तो 1942 में एक पर्यावरण वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक रेमंड लिंडेमैन, इन्होंने एक नियम दिया था, 10% का नियम। ये कहते हैं कि जब एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक ऊर्जा पहुंचती है तो उसमें 10% की कमी आ जाती है। जैसे वृक्षों में, पौधों में जो ऊर्जा है, पौधों को अगर बकरी ने खाया तो पौधों की ऊर्जा को अगर हम 100 मानेंगे तो बकरी के पास 90 ही पहुंचेगा। फिर इसको शेर ने खाया तो शेर के पास 80 ही पहुंचेगा, पूरा नहीं पहुंचेगा। शेर का मांस अगर कोई इंसान मान लो खा रहा है तो उसके पास 70% ही पहुंचेगी ऊर्जा। तो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी रेमंड लिनमैन ने बनाया, सॉरी पिरामिड ऑफ एनर्जी लिनमैन की नहीं, लिनमैन ने 10% वाला रोल दिया था। लेकिन ये जो पिरामिड बनाया है, ये पिरामिड बनाया है चार्ल्स एटन ने। क्वेश्चन आया था इस बार, चार्ल्स एटन, ये पिरामिड बनाया। पिरामिड का सीधा सा मतलब है कि जितने भी प्राथमिक उत्पादक हैं, प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उनका ऊर्जा स्तर ज्यादा रहता है। अगर आप शाकाहारी भोजन कर रहे हैं तो आपका ऊर्जा स्तर ज्यादा रहेगा, अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो आपका ऊर्जा स्तर कम रहेगा। आप उतने एनर्जेटिक मांसाहारी होकर के नहीं हो सकते। डाउट क्लियरिंग सेशन में मैं PYQ सॉल्व करवाऊंगा, गोभी। Paper 1 की भी और उसके भी, और उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा। वो आप टेंशन छोड़ दो, अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो इन्वायरमेंट में कुछ भी ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको नॉलेज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और इनमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे।
मतलब मैं आपको स्टूडेंट नहीं बनाता, आपको किसी को समझाना हो, आप यहाँ से एक अच्छे शिक्षक बनकर निकलते हो। मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, प्रोफेसर बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि सर हमको ये पता चल गया कि हाउ टू एक्सप्लेन द थिंग्स, कैसे दूसरे को समझाया जाए। वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हमने आपसे सीखा है कि चीज़ों को समझाना कैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानते तो सब कुछ है लेकिन बता नहीं पाते, उनके पास कला नहीं होती, शैली नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट कला, इट इज ऑल अबाउट आर्ट। समझाना एक कला है, तकनीकी नहीं है, ये टेक्निक से नहीं आता। तो इसको कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। अब ये भी तीन प्रकार के होते हैं, पहले प्रकार को कहते हैं पिरामिड ऑफ बायमास। जैसे यहाँ पे दो पिरामिड है, पहला वाला जो हम देख चुके हैं धरती के ऊपर का पिरामिड है, ये सीधा पिरामिड है, इसमें पौधों से शाकाहारी जंतुओं में ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है, शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीवों में ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। तो ऊपर की तरफ पिरामिड, पिरामिड का मतलब ये होता है ऊपर की तरफ ये संकरा होता चला जाए ऊर्जा के आधार पर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं खाद्य श्रृंखला में वैसे वैसे ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन तालाब में उल्टा होता, तालाब में शैवाल को खाती है छोटी मछली, छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली। तो यहाँ पे 10% का रूल नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे ऊर्जा बढ़ रही है, बड़ी मछली के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा है। तो जल पारितंत्र उल्टा काम करता है, थल पारितंत्र उल्टा काम करता है। कई पारितंत्र ऐसे होते हैं जहां पे हम जल और थल दोनों मिले जुले होते हैं, जैसे दलदली एरिया है, सुंदरबन, सुंदरबन बंगाल में है ना, सदाबहार वन, वैसे होता है कि सूर्य के प्रकाश से शैवाल अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, अच्छा शैवाल जो होंगे वो तल में होंगे, बॉटम में होंगे ना, बॉटम में शैवालों की संख्या अधिकतम होगी, ऊपर भी होते हैं शैवाल वो कम होते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा बॉटम में पहुंचने में सर्वाधिक कम क्षमता की रह जाती है पानी के अंदर, इसलिए यहाँ पे पारिस्थितिकी, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, चाहे वो थल पे हो चाहे वो जल पे हो। काई, हाँ काई उसका उदाहरण हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं होते। ओके थैंक यू एकता। और कभी कभी ये ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे सुंदरबन की मैंने बात की, सुंदरबन में दलदली क्षेत्र है, तो वहां पे एक साथ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी है और स्थलीय भी है, दोनों है, जल और स्थल दोनों है यहाँ पे। ऐसी स्थिति को कहते हैं इकोटोन। दो पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे को मिले हुए हैं या मिश्रित क्षेत्रों, मिक्स्ड इकोसिस्टम, इन्हें कहते हैं इकोटोन। इकोटोन को हिंदी में कहते हैं मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र। एक्चुअली कुछ चीजों की हिंदी नहीं है, हिंदी हम जबरदस्ती बनाते हैं, क्योंकि इनकी खोज ही की है विदेशियों ने जो कि हिंदी नहीं जानते थे, तो बेहतर है उसको हिंदी में लिख लिया जाए इकोटोन। मेरी टीचिंग भी बहुत प्रभावित हुई है सर, अब मैं भी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे से और बहुत ही शांत भाव से एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सर आपको। ओके संजय वेलकम। जैसे स्टेशन एक शब्द है, स्टेशन को हिंदी में नहीं कहते, हिंदी में कहोगे तो स्टेशन क्या हो जाएगा, भक भक अड्डा, ट्रेन, ये सब अंग्रेजों की इजाद है, इसकी हिंदी है ही नहीं।
क्रिकेट क्रिकेट कहते हैं, लंब डंडे गोलपिंड थरपकड़ प्रतियोगिता। क्रिकेट की हिंदी क्या होगी? बैडमिंटन। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पैंट, पैंट को पतलून कह दिया, पैंट का ही रूपांतरण पतलून। शर्ट, शर्ट कर दिया बुक शर्ट, बुशर्ट। नेक टाई, नेक टाई की अभी तक हिंदी नहीं आई, टाई बांधते ना, वहां तक जाते जाते हथियार डाल दिया हिंदी ने, कभी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे। एक और टर्म आता है बायोम। हाँ, गला वाला फीता, फीता तो कई तरह का हो सकता है। अब जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे हाथी दांत का एक लटकन मिला है? अब जिसको पता है लॉकेट, अगर पूछता हाथी दांत का एक लॉकेट मिला है, जिसको पता भी होगा लटकन क्या होता है, भटकन हो जाएगा। भटकन के बाद नंबर कमाएंगे तो झटकन हो जाएगा। ऐसी दर्दनाक हिंदी लिखने की क्या जरूरत है? लटकन मिला है। कहीं कहीं यूजीसी वाले ऐसी गंदी हिंदी लिखते हैं कि पढ़ करके क्रोध आ जाता है, हिंदी से घृणा हो जाती है। विभिन्न भाषाएं एक दूसरे को समृद्ध करती हैं, इसलिए कभी भी भाषागत शुद्धता पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर हम भाषा को साध्य बना लेते हैं, लेकिन भाषा साधन है। साधन को अगर हम साध्य बना लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह धन, धन को, धन साधन है, धन को साध्य नहीं बनाना है। कुछ लोग अपना जीवन धन कमाने में ही लगे गए, लगा दिया, तो उसमें तो लॉकेट को ही लटकन बोला ना। हाई नहीं है वो इम्प्रैक्टिकल। खैर, बायोम, बायोम क्या होता है? अभी तक आप पारिस्थितिकी क्षेत्र को समझ गए, तो बायोम उस पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं कि जिसमें जीव और वनस्पति अपने वातावरण के अनुकूल ढल चुके होते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र को बायोम कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जलवायु, भूविज्ञान, मिट्टी, वनस्पति वगैरह वगैरह। बायोम को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे भारत के ही उदाहरण में ले लिया जाए, भारत में सभी तरह का बायोम है। जैसे इधर जो कच्छ का रण है, यहाँ पर डेजर्ट, ये मरुस्थलीय बायोम है। यहाँ गंगा जमुना दोआब में एक बड़ा इलाका है, यहाँ जंगल है, तो इन्हें वनीय बायोम कहते हैं, फॉरेस्ट। हाँ हाँ क्वेश्चन आप कर सकते हो, किसी का भी क्वेश्चन करना हो परमिशन मत मांगा करो, बस रेज हैंड कर दो। मुझे प्रश्नों को बीच में बताने में कोई आपत्ति नहीं। तुम शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयत्न करती हो, मैं प्रयत्न करता हूँ कि मेरी हिंदी इतनी शुद्ध ना हो कि लोग समझ ही ना पाए। एक बार मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया, कहा कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दीजिए, प्रॉस्पेक्टस का कोई था, मैंने ट्रांसलेट कर दिया। वो पढ़ करके उसका दिमाग चकरा गया, क्या लिखे हो? मगर मैडम हिंदी ही है। कही कौन सी हिंदी? अंततो गत्वा प्रतिष्ठित परिमार्जित, ये क्या है? मगर हिंदी में इसी को कहते हैं, अंततो गत्वा मतलब एट लास्ट, परिमार्जित का मतलब प्यूरिफाइड, विश्लेषण संश्लेषण। उन्होंने कहा ऐसा है, आप धन्य, आप जा सकते हैं। मैंने कहा मैडम क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे यही हिंदी आती है, न्यूज़पेपर वाली हिंदी नहीं आती मुझे। ये जो सागर है हिंदुस्तान में, ये जलीय बायोम है, एक्वा बायोम, एक्वेटिक। बीच बीच में आपको घास के मैदान भी दिखेंगे, ये भी एक तरह का बायोम है। टुंड्रा बायोम भी होते हैं, टुंड्रा वो स्थल होते हैं जहां पे टुंड्रा वनस्पतियां। तुम फेल हो गई, तुमने मेरा नाक कट दिया। टुंड्रा मतलब पर्वतीय, वो ऊंचे ऊंचे रास्ते, वहां पे जो वनस्पति, पहाड़ी इलाकों में जो वनस्पति पैदा होती। हाँ जी, हेलो नमस्ते सर। सर हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर मेरा जो प्रश्न है सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले सर स्थलीय वातावरण और सर जलीय वातावरण के बीच सर जो पिरामिड के माध्यम से बताया था सर ऊर्जा का अंतर, तो
हाँ कि सर जो स्थलीय वातावरण के अंदर सर जो ऊर्जा सर बड़े से छोटे की तरफ घटती जाती है सर, जबकि सर जलीय वातावरण में नीचे से ऊपर बढ़ती आती है, इसलिए सर जलीय जो जीव होते हैं सर वो आकार में भी बड़े होते हैं सर। सर मेरा इस संदर्भ में प्रश्न ये कि सर सर जैसे कि कुछ जलीय जीवों की सर प्रजातियां की स्पीसीज है सर, जैसे कि सर किलर वेल है सर, या सर जाइंट सर जो शार्क है, ये सर जो जो प्रजातियां है सर वो सर समुद्र के अंदर सर बहुत शानदार शिकारी के रूप में जानी जाती है सर अपने सर बड़े आकार को लेकर सर। तो सर जो सर ऊर्जा का सर इनके अंदर सर ये प्रभाव दिखा जाता है सर, मेरा पहला प्रश्न ये है सर क्या सर इन्हें सर शिकार में भी सर महारथी बनाता है क्या सर? हाँ, ऊर्जा का स्तर देखो, ये सब इनके बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, ये नेचुरल है इनके अंदर। शिकार का जो गुण है, इनको भी प्रशिक्षण नहीं देता, इनके खुद के पेरेंट्स इनको प्रशिक्षण देते होंगे, लेकिन ये इनके अंदर बेसिक कुछ चीजें होती हैं जो जन्मजात होती हैं, इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट जो जन्मजात है ही है, जैसे पानी के अंदर, पानी हमेशा पेटी में ही जाएगा, बॉटम में ही जाएगा, ये होता है इंस्टिंक्ट। आग आग हमेशा ऊपर की तरफ ही उठती रहेगी, आग को हम ही नहीं कह सकते कि आग नीचे की तरफ, जब तक वो बिल्डिंग मशीन वाली आग ना जो फेंकते हैं। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट। अब आपने कहा कि शार्क में ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा है। शार्क में ऊर्जा का स्तर इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि शार्क को पेट भरने के लिए हजारों छोटी मछलियों को एक साथ खाना होता है, तो वो हजारों की ऊर्जा शार्क में आ गई। वेल वेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, लगभग 30-50 हाथी के बराबर वेल होती है, तो उसकी खुराक भी ऐसी है। तो डेफिनेटली ऊर्जा का स्तर उनका इसीलिए उच्च है क्योंकि उनकी खुराक ऐसी है। सर मैं दूसरा प्रश्न ये है कि सर सर जो समुद्र का सर सबसे डार्केस्ट एरिया है सर, सबसे सर जो घना सर एरिया है सर जहाँ पे समुद्र के अंदर सर बिल्कुल सर बीचों बीच में पड़ता है सर पृथ्वी के, और सर अभी तक सर वहाँ पे मनुष्य की पहुँच नहीं पड़ पाई है सर, और सर वहाँ पे सर बहुत ही सर कहा जाता है कि सर अभी भी सर बहुत ही बड़े आकार के सर जीव निवास करते हैं सर। सर एक 1873-74 के समय सर एक सर समुद्री जहाज पे सर एक बहुत बड़े ऑक्टोपस का सर हमला हुआ था सर, सर वो इतना बड़ा था ऑक्टोपस की सर जो उसकी भुजाएं थी सर उसकी सर छाप उसके सर जहाज पे सर पड़ गई थी सर। तब से सर वैज्ञानिकों ने सर या जो खोज करता है सर समुद्र विज्ञान के उन्होंने सर इसका अनुमान लगाया कि एक डार्केस्ट समुद्र का एरिया ऐसा भी है जहाँ पे हमारी पहुंच नहीं पर वहाँ पे ऐसे बड़े जीव निवास करते हैं सर। सर मेरा संदर्भ प्रश्न ये कि सर जो स्थलीय जीव होते हैं सर जैसे कि मनुष्य या सर जो भी इस सर जो जगत में निवास करते हैं सर जो जमीन पर चलने वाले सर प्राणी होते हैं सर, सर उन्हें सर सूर्य के माध्यम से सर ऊर्जा मिलती है सर, पर सर समुद्र का वो एरिया सर जो बिल्कुल सर डार्क है सर जहाँ पे मतलब सर सूर्य की किरणों की बिल्कुल पहुंच नहीं है सर, उसके बाद भी सर वहाँ पे इतने सर स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली और सर एक विशाल जीवों का सर निवास है सर। तो सर मेरा प्रश्न ये कि सर जो समुद्र का सर जो गुरुत्वाकर्षण का सर वो जो सर एक सर शक्ति है सर, या सर वो जो अंधकार की सर शक्ति या सर जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जो शक्ति देखी आती है कि सर कहा जाता है कि उसके ऊपर से सर कोई भी विमान या जहाज सर निकलता है वो सर अपने अंदर खींच लेता है सर, सर ऊर्जा का यही प्रकार है क्या सर जो उनको सर उतने सर घेरे एरिया में भी सर इतनी सर शक्ति प्रदान करता है कि सर उनका इतना शानदार तरह से विकास हुआ है, इस बारे में बताएं सर प्लीज। पहली तो बात यह है कि जो समीकरण हम धरती के ऊपर लगाते हैं वही समीकरण धरती के अंदर नहीं लगेगा, ठीक है। ऊर्जा के जिस स्वरूप के बारे में हम सोचते हैं कि धरती के ऊपर ऊर्जा जो आ रही है, जहां तक सूर्य की बात है, सूर्य की ऊर्जा की बात है, सूर्य की ऊर्जा के दायरे में पृथ्वी तो बहुत क्षुद्र ग्रह है। जब सूर्य को अगर इतना बड़ा मान लें तो पृथ्वी इतनी बड़ी है, और सूर्य की ऊर्जा जब पृथ्वी की तरफ चल रही है, प्रकाश के रूप में चल रही है, तो सूर्य के प्रकाश में भी तीन चार तरह की किरणें होती हैं, जिसको हम धूप कहते हैं। दैट इज ओनली विजिबल लाइट, जो हमको नंगी आंखों से दिखती, तो धूप तो नहीं दिखती लेकिन प्रकाशित वस्तु में दिखती है, विजिबल लाइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रकाशित किरण है वही ही सूर्य का प्रकाश है, ऐसा नहीं है। सूर्य का बहुत सारा लाइट है अल्ट्रा वायलेट। सूर्य का इंफ्रारेड, जिससे गर्मी होती है, जो ऊष्मा देता है, हमसे विजिबल देख रहे हैं, इनके बारे में हमको पता ही नहीं है, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड। सूर्य बाहर निकलता है और आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, लेकिन गर्मी पूरी पहुंचती है। अगर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आपके घर का भी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंच रही है। डायरेक्ट सिर्फ विजिबल लाइट नहीं पहुंच रही है, बाकी अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है? वो परावर्तन के नियम से पहुंच रहा है। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड परावर्तित होकर के डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से आपके घर के अंदर पहुंच जाता है। इतना भी गहरा सागर हो नीचे, वहां पे ये लाइट पहुंचती है। विजिबल लाइट सिर्फ हमको देखने में सहायता करता है। आप घर के अंदर कपड़े डालते हो, वो सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि वहां भी सनलाइट पहुंच रही है। पानी रख दो एक रूम में और सारे दरवाजे बंद कर दो, सुबह एक गिलास पानी रखोगे, 2-3 दिन बाद वो पानी का गायब रहेगा, ठीक है। ये चीज ऐसा नहीं है कि अच्छा, हाँ, सूर्य अगर वहां ना पहुंचे तो जीवन संभव नहीं। और जो आपने बताया कि बहुत बड़े बड़े ऑक्टोपस हैं, बहुत बड़े बड़े जीव हैं, जो पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा है, जो पृथ्वी के बीचों बीच की ऊर्जा है, आपको पता ही होगा पृथ्वी का जो कोर है वो अभी भी गर्म है, वहां पर मैग्मा है, लावा है,
पिघले हुए, और ये सारा का सारा ये जो बीच का इलाका है ना, ये गर्म है। कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यही लावा, यही मैग्मा बाहर निकलता है। ये जो गर्म है ये ऑलरेडी सूर्य की ही ऊर्जा से गर्म हुआ है, क्योंकि धरती सूर्य का ही भाग है, सूर्य में ही सुपरनोवा विस्फोट हुआ है, उसी का एक टुकड़ा है धरती। धरती सूर्य से अलग नहीं, धरती सूर्य का वो हिस्सा है जिसकी जिसका केंद्र तो अभी भी सूर्य ही है, लेकिन जिसकी सतह ठंडी हो गई है। तो यहाँ पे अंधेरा है नो डाउट, लेकिन बाकी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड तो यहाँ भी है, कोर में भी है, और ये भी सूर्य का ही अंग है, सूर्य के ही ऊर्जा से अनुप्राणित है। और ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, यानी अगर ये सारा लावा सतह पे आ जाए तो इंसानियत खत्म। समझ गए? और जो आप कह रहे हो ना कि बड़े बड़े जीव जंतु हैं, ये बड़ा रहस्य, बरमूडा ट्रायंगल की जो आपने बात की, मतलब समंदर के किनारे जाओ, मैं आपको लेके जाऊं हिंद महासागर के किनारे पे, और मैं बोलूं कि वहां पे रेत होता है, कितने रेत होंगे समंदर के किनारे, जो रेत है कितने हैं, आप क्या जवाब दो? बहुत अनंत है, इनफाइनाइट। और उसमें से मैं एक मुट्ठी रेत उठाऊं, अब मैं पूछूं कि मेरे हाथ में कितने रेत, तो आप कुछ बता दोगे कि 50 लाख, अगर सो काउंट किया जाए, 2-3 साल लगेगा काउंट करने में, कोई मशीन काउंट करे तो 50 लाख रेत होगा। मनुष्य जो जानता है वो मुट्ठी भर रेत जानता है, और मनुष्य जो नहीं जानता है वो सागर के किनारे जितने रेत फैले हुए हैं वो नहीं जानता है। इस अस्तित्व के बारे में जितना हम जानते हैं और जितना हम नहीं जानते हैं, उनके बीच का यही अनुपात है। हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं पहले भी ऐसा बता चुका हूँ, जैसे मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप मेरे पास, कल्पना करो किसी के लैपटॉप के किसी कीबोर्ड पर एक चींटी रेंग रही है या एक मक्खी बैठी हुई है। वो मक्खी कितना जानती है, वो मक्खी इस लैपटॉप को क्या समझेगी? उस मक्खी को मैं कभी समझा पाऊंगा कि इस लैपटॉप से यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, और पटना और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और कहाँ के बच्चे मेरी भाषा सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उस मक्खी को क्या मैं समझा पाऊंगा कि इस लैपटॉप से मैं बैंक से पैसे निकाल लेता हूँ, डाल लेता हूँ, टिकट बुक कर लेता हूँ, ट्रेन होती है एक, इसमें एक इंटरनेट होता है, वाईफाई होता है, कनेक्शन होता है, वाईफाई के बिल देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो सारा व्यापार मनुष्य के स्तर पर फैला हुआ, क्या उस मक्खी को समझा पाएंगे? और उसको हम समझाने की कोशिश भी करेंगे तो उसको क्या समझ में आएगा? लेकिन मक्खी को कुछ चीजें समझ में आती हैं, एग्जिस्टेंशियली समझ में आती है। क्या? जैसे ये जो सतह है जिस पर वो बैठी है, वो सतह बैठने लायक है, ऊंचा है, नीचा है, यहाँ से उड़ सकते हैं, ये टेढ़ा है, स्लोप है, मीठा है कि नहीं है, यहाँ गंदगी है उसके खाने लायक कि नहीं, उसका जो अपना डायमेंशन है, उस डायमेंशन के अंतर्गत 20-50 चीजें उसके भी दायरे में समझ में आती हैं उसको। लेकिन क्या वही 20-50 दायरा सब कुछ है इस लैपटॉप के बारे में? नहीं। उस मक्खी की बुद्धि से सोचोगे तो मक्खी अगर सोचने लगी इसके बारे में, उसको ट्रेन करूं, पागल हो जाएगी। ठीक वही स्थिति मनुष्य की है इस अस्तित्व के बारे में, कि परमात्मा का लैपटॉप पे हम बैठे हुए हैं और हमें वही 20-50 चीजें समझ में आती हैं जो हमारे मतलब की हैं, जिसके लिए हमारे पास सेंसर है, बाकी अनंत चीजें वो पता नहीं क्या है, वो हमें पता ही नहीं। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मिनिमम 50,000 पृथ्वियां हैं इस दुनिया में, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मिनिमम 50,000 ग्रहों पर जीवन है, बहुत सारी चीजें अनसुलझी, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, ये भी सुलझाया दिया इसका, क्या है ये? बहुत थोड़ा सा आदमी का दायरा है। तो ज्ञान को, मनुष्य के ज्ञान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है नोन, जो हम जानते हैं, दैट इज नोन, इसको कहते हैं ज्ञात, ये है 0.00001%। दूसरा होता है अननोन, ये है अज्ञात, और तीसरा होता है अननोएबल, अज्ञेय। बाकी 99.999999999% इसमें आता है।
अननोन है कि जो नहीं जाना जा सकता है वो कल जान लिया जाएगा, विज्ञान उसका पता लगा लेगा। लेकिन अज्ञेय है कि जो आज भी नहीं जाना जा सकता, जाना गया है और कल भी नहीं जाना जा सकेगा, कि अज्ञेय सबसे बड़ी सबसे बड़ा अनुपात अज्ञेय का है। समझ गया जी? एक और टर्म है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जो लोग इस अज्ञेय से टकराते हैं वो समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। आप सुनते हो कि भक्त हैं मीराबाई वगैरह वगैरह, वो ऐसे लोग हैं जो इस अज्ञेय को जानने के चक्कर में ही नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जानना हो ना हो अहंकार का प्रयास है। हम किसी को जानना तभी चाहते हैं जब उस पर हम अधिकार बनाना चाहते हैं, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जानने की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है जानने की? मनुष्य जानना जानना भी एक अहंकार की ट्रिक है, एक इगोइस्टिक ट्रैप है। हम उसको इसलिए जानना चाहते हैं कि उसको हम अपने अंडर में लेना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि जान जान के नहीं जाना जाता, नहीं जानने में नहीं आता, छूट छूट जाता है, हाथ से फिसल फिसल जाता है, वो जान की नहीं जा सकती बात। ऐसे स्थिति में व्यक्ति समर्पण कर देता है कि तो ही कबीरदास जी कहते हैं ना, खोरत खोजत खोजत हे सखी रहा कबीर हराए। कबीरदास जी खोजने निकले, जानने निकले और खुद ही खो गए। बुंद समाना समुद्र में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी एक बूंद थे और समंदर में गिर गए, समंदर ही हो गए। अब क्या कौन किसको खोजेगा? बिल्कुल वही तो संजय कह रहे हैं, बुंद समाना समुद्र। आप उसमें समा जाते हो, भाग बन नहीं जाते, आप ऑलरेडी भाग उसके हो। लेकिन ये जो अहंकार है वो कहता है कि नहीं मैं अलग हूं, भाग बन नहीं जाते। आपको बस याद आ जाती है कि ये मैं ही हूं, तत्वमसि श्वेत केतु, ये मैं ही हूं, एको हम दुजो नास्ति, ये मेरा ही विस्तार है, ये मैं ही हूं, ये जीव अजीव परिस्थिति प्रकृति ये सब मैं ही हूं। अभी अपने आप को इंडिविजुअल हम मान के जी रहे हैं कि हम बॉडी हैं, माइंड हैं, इस खानदान के हैं, उस परंपरा के हैं, गोरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम भ्रांतियां फैला रखी हैं, उसको मान के जी रहे हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पीट रियल सेल्फ का पता चलता है, रियल सेल्फ, आप कहते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्ध बन गया, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का मतलब क्या? उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब क्या? बुद्ध सागर को सागर के रूप में पहचान गई, वो सागर ही है। कभी कभी तो सारा कुछ सपना सा लगता है सर, सपना ही है, इसी को तो माया कहते हैं। सर मुझे हिस्ट्री भी भंडार लगता है खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे भगवान बुद्ध उस आत्मज्ञान से पहले की अंतिम रात को सब कुछ पाने की इच्छा को त्याग कर एकदम शांत बैठ गए। हाँ बिल्कुल सही। सर मेरे तलवीर सर की क्लास की एक दो दिन स्टार्टिंग में सोची, मुझे एक बात समझ नहीं आई उनकी, आप बेस्ट हो सर, मुझे वो बातें भी समझ आ जाती हैं जो आज तक नहीं है। देखो सबकी अपनी अपनी शैली है, कोई तुलना नहीं कर सकते ना, उस सृष्टि से संयुक्त होने और सिद्धार्थ से गौतम। चलो आज समय समाप्त हुआ, अगली क्लास में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और इससे गहरी बातें हमने की, तो ये तो हम सीख ही लेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो इस सत्र में ही विराम देते हैं, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, हिस्ट्री क्लास में, गुप्त लेटर गुप्ता एज आप शुरू करेंगे, गुप्तोत्तर काल। एक सिग्निफिकेंट बच गया है, उसको यूट्यूब में हम कवर कर लेंगे, गुप्ता एज का कल्चरल एस्पेक्ट, रिलीजियस कल्चरल एस्पेक्ट। ठीक है सभी को, इन्वायरमेंट अगर कंप्लीट जानना चाहते हो तो डोंट मिस अ सिंगल क्लास, ये मेरी आपसे गुजारिश है। एक भी चीज छोड़ोगे तो वो पिक्चर अधूरी बनेगी, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, वैसे क्लास भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बाय बाय।